खबर बेमेतरा से है, जहां पर सीओ की मनमानी से लोग परेशान हैं। कर्मचारियों ने जनपद पंचायत सीओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बीमार अधिकारी ने परिजनों ने सीओ की शिकायत की है। और दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत साझा का है, जहां पर साझा जनपद सीओ प्रकाश कुमार मेश्राम के ऊपर ही उनके अधीनस्थ अधिकारी ने और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र कुमार नेताम, जो कि जनपद पंचायत साझा में एडीओ के पद पर पदस्थ हैं और जो अक्टूबर 2018 में शारीरिक कमजोरी के चलते बीमार चल रहे हैं, स्थिति गंभीर होने के बाद भी एडीओ सुरेश कुमार नेताम अपने पुत्र के साथ साझा जनपद पंचायत आते थे, जिस पर परिजनों ने उन्हें फील्ड वर्क होने का हवाला दिया जाता था और उनको काम नहीं करने की स्थिति में चपरासी की कुर्सी पर बैठने का आरोप परिजनों लगाया है। जनपद साझा में ट्रांसफर हुआ तब से वेतन के लिए हम लोग को तकलीफ ही हो रही है सर। जिला पंच वहाँ सीओ से आके मिलते हैं, मेरे बच्चे छोड़ने आते हैं अपने डैडी को, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं सर बोल के, तो सीधा बोलते हैं तुम्हारे बाप का तनख्वाह मैं दूंगा ही नहीं, जितना सोर सपोर्ट लगाना है आप लगा लो, ऐसे सीधे मुंह बात नहीं कर। 2017 से पापा का पेमेंट नहीं मिला, जिस वजह से फैमिली कंडीशन काफी खराब हो चुकी है और मतलब एडमिशन के लिए भी अब हमारे पास पैसे नहीं रहे, तो मैं कॉलेज वगैरह भी छोड़कर अभी यहाँ कलेक्टर मैम से थोड़ी हेल्प के लिए आए। अगस्त हुए लगभग 10 महीने के आसपास हुए, तो सालों की बात नहीं है। वेतन के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि उनको जो जो हमने दायित्व दिया था उन्होंने उसको प्रॉपरली नहीं किया और साथ में वो इरेगुलर मतलब अनुपस्थित रहे हैं अधिकतर इसी।